जल्दी से बच्चों कंफर्म करो आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं कंफर्म करते जाएं, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी जल्दी से कंफर्म करें। ओके चलिए, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ड्यू डिलीजेंस। और ड्यू डिलीजेंस जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये ड्यू डिलीजेंस क्या होता है। जब बच्चों ड्यू डिलीजेंस की बात करते हैं तो यहां पर डिस्कस किया गया कि भाई इट इज द प्रोसेस। ड्यू डिलीजेंस एक प्रोसेस होगा बाय विच कॉन्फिडेंशियल लीगल एंड फाइनेंशियल एंड अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, रिव्यूड एंड अप्रेज्ड बाय द पार्टीज टू अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इस एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं रीड करने के बाद जब ड्यू डिलीजेंस की बात करेंगे तो यहां बात करेंगे ड्यू डिलीजेंस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, लीगल इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है या अदर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो पार्टीज टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस के बीच में एक्सचेंज की जाती है। अल्टीमेटली ड्यू डिलीजेंस की जब बात करेंगे तो ये क्यों पिक्चर में आता है, क्यों हम ड्यू डिलीजेंस कराते हैं, ऐसे मुद्दे हमारे बहुत सारे माइंड में चलते हैं और ये इन क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा बहुत मिल जाए तो इस डेफिनेशन को समझना आसान रहेगा। सपोज दैट दो पार्टीज हैं और एक पार्टी दूसरे पार्टी के बिजनेस को परचेस करना चाहता है, तो ऐसे केस में समस्या सामने ये आती है कि सामने वाले के बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, साथ ही साथ लीगल में कोई बहुत ज्यादा नॉन कंप्लाइंसेस वगैरह तो नहीं जिनकी वजह से पेनल्टीज वगैरह बहुत ज्यादा इम्पोज हो हम पर, तो लीगल एस्पेक्ट को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं खरीदने वाली जो पार्टी होगी वो सेलर पार्टी यानी कि जो भी वेंडर पार्टी होगी उस पार्टी के डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स को फाइंड आउट करके कहीं ना कहीं एनालाइज करना चाहेगी। लेकिन समस्या वाली बात ये आती है कि ऐसे ही हर कोई कॉम्पिटिटर किसी दूसरे के प्रमाइसिस में जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगा तो वैसे भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएंगी, लीक हो जाएंगी और वो कॉम्पिटिटर आपके रिसोर्सेज का एडवांटेज ले सकता है। तो इस दौरान क्या होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंट कर लेते हैं। मान के चलो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीदना चाहते हैं तो बी लिमिटेड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करवाना बनता है, चेक करवाना बनता है, बी लिमिटेड की पोजीशंस को जानना बनता है जिससे कि हम बी लिमिटेड को कितना पेमेंट करने वाले हैं ये डिटरमाइन कर पाए। तो इस पर्पस से एक प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लिया जाता है, वो एक प्रोसेस के तहत कहीं ना कहीं टारगेट एंटिटी का ड्यू डिलीजेंस करता है और उस दौरान जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिव्यू करता है। दैट मीन्स जब ड्यू डिलीजेंस की बात करेंगे तो ये कुछ कुछ ऑडिट जैसा ही एक्टिविटीज है लेकिन ये पर्पज इस मतलब स्पेसिफिक पर्पज से कहीं ना कहीं कराया जाता है। जैसे ऑडिट की बात करेंगे कि रूटीन एक्सरसाइज है, एक रेगुलर एक्टिविटी है कि भाई ईच एंड एवरी ईयर के एंड में होगा लेकिन ड्यू डिलीजेंस ईच एंड एवरी ईयर के एंड में कराना जरूरी नहीं है। ड्यू डिलीजेंस की जब जरूरत पड़ती है तभी उसको कराना पड़ता है। तो जब जब हम ड्यू डिलीजेंस की बात करेंगे, बोला इट इज अ प्रोसेस बाय विच कॉन्फिडेंशियल लीगल फाइनेंशियल और अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, यानी कि जो भी उस एंटिटी से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको अवेलेबल हो पाएंगी जिनके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टी को, इस पर्टिकुलर बिजनेस को हमें परचेस करना भी है या नहीं करना, अगर परचेस करना है तो उसका रीजनेबल प्राइस हमें क्या पे करना चाहिए। तो इन्होंने बोला इट इज द प्रोसेस बाय विच द कॉन्फिडेंशियल लीगल फाइनेंशियल और अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, रिव्यूड एंड अप्रेज्ड बाय द पार्टीज टू अ
बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बोला जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस में जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशंस को टाइम टाइम पर अप्रेस कर रहे होते हैं। आगे इन्होंने बोला कि ये जो ड्यू डिलीजेंस कब कराया जाता है, बोला ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद कराना चाहिए या ट्रांजेक्शन होने से पहले करा लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हमने किसी एंटिटी को परचेस कर ही लिया तो फिर अब उसमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी टेक्निकल पोजीशन क्या है, उसकी लीगल पोजीशन क्या है, इसको जानने के बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। तो ड्यू डिलीजेंस की बात करेंगे तो ये कब कराया जाएगा, बिफोर एंटरिंग इन द ट्रांजेक्शन विद द अदर पार्टी, जब दूसरी पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले ही ड्यू डिलीजेंस करा लीजिए। और ड्यू डिलीजेंस कराने का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि हम दूसरी पार्टी के वेरियस इंफॉर्मेशंस को जानना चाहते हैं। आगे इन्होंने बोला इट इज एन एनालिसिस, जब ड्यू डिलीजेंस की बात करेंगे, इट इज एन एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ एन इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस की बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिस्क कितना है, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं ड्यू डिलीजेंस कराया जाएगा। अगर हमें लगता है ट्रांजेक्शन ज्यादा रिस्की है तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, लेसर प्राइस डिटरमाइन करेंगे। अगर हमें लगता है इस बिजनेस को खरीदना उतना रिस्की नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी एग्री हो जाएंगे। आगे इन्होंने बोला जब ड्यू डिलीजेंस की बात करते हैं, इट इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ बिजनेस और अ पर्सन और अ परफॉर्मेंस और एन एक्ट। जब ड्यू डिलीजेंस की बात करेंगे तो बोला यहां पर केयरफुल तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, किन किन चीजों का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, बोला बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, किसी एक पर्सन का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, या किसी परफॉर्मेंस या किसी एक्ट का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। जैसे ऑडिट की बात करते हैं तो उसमें एक जनरल एश्योरेंस दिया जाता है कि भाई ट्रांजेक्शन ट्रू एंड फेयर है या नहीं, लेकिन यहां पर पर्पज स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है तो उसे काफी डिटेल में एनालाइज करके चेक करने के बाद कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सबमिट की जाएगी। तो इन्होंने बोला कि यहां पर ये केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होगा किसका, बिजनेस का भी हो सकता है, किसी पर्सन का, किसी परफॉर्मेंस का या फिर किसी एक्ट का। बोला व्हेन एवर कंपनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी बिजनेस देन इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट एंड इवेल्युएट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टारगेट कंपनी। बोला कि किसी बिजनेस को खरीदने जा रहे हो तो उसके वेरियस एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है, एंड सच इवेल्युएशन एंड रिस्क असेसमेंट कैन बी इजिली डन बाय द ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज। और बोला ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो इजिली हो सकता है वो किसके थ्रू हो सकता है, ड्यू डिलीजेंस के थ्रू हो सकता है। तो ड्यू डिलीजेंस हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल एंड कह सकते हैं एक तरीके से काम की चीजें रहेंगी। आगे इन्होंने बोला आफ्टर कंडक्ट ऑफ ड्यू डिलीजेंस, जब ड्यू डिलीजेंस हमारा हो जाएगा, आफ्टर कंडक्ट ऑफ ड्यू डिलीजेंस अ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व इन द गिवन ट्रांजेक्शन। बोला जब हमारा ड्यू डिलीजेंस हो जाता है तो अल्टीमेटली एक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है जिससे हमें वेरियस ट्रांजेक्शन के बारे में काफी डिटेल में जानकारी मिले और उस जानकारी के बेसिस पर हम उस ट्रांजेक्शन को आगे फर्दर एग्जीक्यूट कर पाए। आगे बच्चों हम बात करते हैं नीड फॉर ड्यू डिलीजेंस। यहां तक बताइए आपको ड्यू डिलीजेंस समझ में आया, कोई समस्या कोई दिक्कत? ड्यू डिलीजेंस की बात करेंगे तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का होगा मतलब टारगेट कंपनी का होगा, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे इस प्रोसेस में और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि भाई इन ट्रांजेक्शन में किसी भी टाइप का कोई रिस्क वगैरह तो नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लीगल पोजीशन कैसी है, टेक्निकल पोजीशन कैसी है, इन सारे के सारे एस्पेक्ट को ड्यू डिलीजेंस में हम कवर करके चलेंगे। इसके बाद बच्चों अगले मुद्दे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एस्पेक्ट है नीड फॉर ड्यू डिलीजेंस, यानी ड्यू डिलीजेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। जब नीड फॉर ड्यू डिलीजेंस की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने बोला फॉलोइंग आर द नीड्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस। अब नीड्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस में वो जस्टिफिकेशन हम देते चले जाएंगे, नीड फॉर ड्यू डिलीजेंस में वो सब जस्टिफिकेशन हम बच्चों देते चले जाएंगे जो जस्टिफिकेशंस कहीं ना कहीं ये कन्वे करेंगे कि भाई ड्यू डिलीजेंस ना हो तो शायद इस टाइप की समस्याएं हो सकती हैं और ड्यू डिलीजेंस के होने से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजोल्व होंगे।
जैसे हम बात करते हैं फॉलोइंग आर द नीड ऑफ ड्यू डिलिजेंस, बोला कि मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर आर नॉट इजिली ट्रेसेबल, सो ड्यू डिलिजेंस इज नीडेड। बोला किसी बिजनेस को परचेस कर रहे हैं तो कई बार उसमें मिस रिप्रेजेंटेशंस होती हैं या कुछ फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो अगर लीगल एस्पेक्ट्स में आपको लीगल एस्पेक्ट को अगर सही से पहचानना है तो आपने कहीं ना कहीं लीगल ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा, दैट मीन्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स को चेक कराना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला देर आर लॉट मोर रिस्क इन अ पोटेंशियल बिजनेस परचेस ट्रांजेक्शन, सो ड्यू डिलीजेंस इज नीडेड। बोला कई बार जब हम किसी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या किसी बिजनेस को परचेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में लॉट मोर रिस्क हो सकते हैं, और उन रिस्क को खत्म करने के लिए, उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ता है। आगे बात करेंगे, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल बिजनेस इन इंटरनल सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी की ऑपरेशनल एस्पेक्ट मैनेजमेंट टीम प्रमोटर्स एंड अदर मटेरियल आइटम देन ड्यू डिलीजेंस इज नीडेड। बोला किसी बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जानना चाह सकते हो, लीगल एस्पेक्ट को, टेक्निकल एस्पेक्ट को, इंटरनल सिस्टम को, प्रॉफिटेबिलिटी को, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को, मैनेजमेंट को जानना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। आगे इन्होंने बोला ड्यू डिलीजेंस इज नीडेड टू कंफर्म, जब ड्यू डिलीजेंस की बात की जाती है तो इन्होंने बोला इट्स नीडेड टू कंफर्म दैट द नेचर एंड जेन्युइननेस ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस के नेचर और जेन्युइननेस को अगर जानना है तो आपको ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। आइडेंटिफाई डिटेक्ट वीकनेस एंड टू अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड गैदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट एंटिटी, किसी बिजनेस के जेन्युइननेस को या नेचर को जानना चाहते हो, किसी बिजनेस में डिफेक्ट्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या, उनको जानना चाहते हो, साथ ही साथ में कि कोई भी ऐसा बिजनेस परचेस ना कर लो जिसमें ह्यूज लॉसेस हो, जिसको परचेस करने के बाद आपको आपको ओवरऑल लॉसेस मिले, तो ऐसे बिजनेस को परचेस करने से अगर बचना है तो आपने ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, अभी हमने बात करी नीड्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस और सेकंड एस्पेक्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलीजेंस। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलीजेंस, लेकिन जब हमने नीड की बात कर रहे थे, कई बार नीड हमारे लिए होता है कि भाई ये काम तो होना ही चाहिए, और ड्यू डिलीजेंस से हम कुछ सर्टेन से एस्पेक्ट अचीव करना चाहते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स को अचीव करना चाहते हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाना चालू करें अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में रखना चालू कर देते हैं। जनरली जो हमारी नीड्स होती हैं उनको हम अचीव भी करना चाहते हैं, उनके लिए प्लान भी करते हैं, तो उन्हें जब ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो नीड जैसे एस्पेक्ट्स हमने पढ़े वो ऑलरेडी कवर अप होंगे। Following are the objective of due diligence. तो देखेंगे अब यहां पर कुछ points आपको repeated दिखाई देंगे। Due diligence is required to verify the strategic identification or attractiveness of target company. कहीं ना कहीं जब due diligence कराते हैं तो आप यहां identify कर सकते हो कि भाई strategic point of view से या competition के point of view से कहीं ना कहीं इस business को purchase करना हमारे लिए, target company को purchase करना हमारे लिए attractive रहेगा या फिर नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, ड्यू डिलीजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर वॉयलेशन, सॉरी ड्यू डिलीजेंस रिक्वायर्ड फॉर वैल्यूएशन या रिस्क एसोसिएटेड एटसेट्रा। भाई जिस बिजनेस को आप खरीदने जा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए या उसमें रिस्क, उसे परचेस करने पर रिस्क क्या है, वो आगे बिजनेस फर्दर चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो कोई रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है, इन सारे एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ता है। Objective of due diligence may be to collection of material information, identification of strength and threats and weakness of organization. जब हम strength की बात करते हैं और weakness की बात करते हैं, ये internal aspect से develop करी जाती है, लेकिन opportunity और threat हमारे external environment से हमको मिलते हैं। Opportunity को encase किया जा सकता है, threat को कहीं ना कहीं हम फेस कर सकते हैं बस खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें मिलेगा। जैसे कोविड के दौरान फार्मास्यूटिकल को अपॉर्चुनिटी मिला और अदर बिजनेसेस को थ्रेट मिला,
भाई फार्मास्यूटिकल को एक अवसर, आपदा में अवसर मिला तो दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, बाकी सारे बिजनेस सेक्टर्स को थ्रेट मिला जो कि उसे अवॉइड नहीं कर पाए। दूसरा, कई बार हम अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। जब अपनी बार्गेनिंग पोजीशन इंप्रूव करोगे तो दूसरे में कमी निकालनी पड़ती है, दूसरे को दिखाना पड़ता है कि भाई आपके अंदर कमी है, तभी आप बार्गेन कर सकते हो। अगर दूसरा स्ट्रांग पॉइंट पर होगा तो फिर आपकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि जब जब हम बात करते हैं कि एक बिजनेस को खरीद रहे हैं और अपनी बार्गेनिंग पावर को इंप्रूव करें, तो पहले उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे क्लॉथ परचेज करने जाते हो, बहुत ज्यादा तारीफ कर दो उसकी तो वो महंगा सेल करेगा, लेकिन अगर किसी भी आइटम को उठा करके आप ऐसे ही नजरों से देख रहे हैं, फिर पूछ ले रहे हैं अरे क्या प्राइस है इसका, तो बार्गेनिंग पावर सामने वाले की काफी हद तक अफेक्ट हो जाती है कि भाई इसे प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा, अब इसका ज्यादा प्राइस बताऊंगा तो वैसे भी परचेज नहीं करेगा। तो इन्होंने बोला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स एंड वीकनेसेस, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। इंप्रूविंग द बार्गेनिंग पोजीशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया वेयर द वारंटीज आर रिक्वायर्ड, और कुछ एरियाज में आपको वारंटीज की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, सामने वाले से कंफर्म कराना पड़ेगा कि भाई हम ड्यू डिलीजेंस कर तो सकते हैं लेकिन सॉरी हम बिजनेस परचेज कर तो सकते हैं लेकिन इन एरियाज में आप क्या एश्योरेंस देते हो, अगर कुछ डेफिशिएंसी हुई क्या आप उसकी भरपाई करेंगे। आगे ऑब्जेक्टिव और ड्यू डिलीजेंस की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट इन टू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो फिर कहीं ना कहीं ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। और टू कंफर्म ऑल मटीरियल फैक्ट रिलेटेड टू द बिजनेस, और बिजनेस से कनेक्टेड इंपोर्टेंट एसेंशियल और वाइटल एलिमेंट मटीरियल एलिमेंट्स को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। आगे इन्होंने बोला कि जब ड्यू डिलीजेंस की हम बात करते हैं, टू असेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रपोज ट्रांजेक्शन, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ पोस्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बाद रिस्क कम हो जाए और ट्रांजेक्शन से पहले रिस्क को असर्टेन कर पाए, इन सारे के सारे पर्पज को ध्यान में रखते हुए हम ड्यू डिलीजेंस करा रहे होते हैं। यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, टू क्रिएट अ ट्रस्ट बिटवीन द टू अनरिलेटेड पार्टीज, ड्यू डिलीजेंस के बाद दोनों में दो पार्टीज में आपस में ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे पर भरोसा होने लगता है क्योंकि सारे ट्रांजेक्शंस की अगर हम बात करते हैं उनको चेक किया जा चुका है। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डील किलर्स डिफेक्ट इन द टारगेट कंपनी, बोला कि टारगेट कंपनी में कोई डील किलर इफेक्ट्स तो नहीं है, मतलब जो हमारी डील को खत्म कर सके। दैट मीन्स हम बात करेंगे अगर ऐसे कुछ एलिमेंट टारगेट कंपनी में मिले हैं और वो कैसे मिलेंगे, जब आप उसका ड्यू डिलीजेंस कराओगे। तो ड्यू डिलीजेंस का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई कोई डील कलर एलिमेंट से उन्हें आइडेंटिफाई करना। आगे हम बात करेंगे टू गेन द इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर वैल्यूइंग द असेट्स, किसी असेट्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जानने के लिए भी कई बार हमने ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ता है। तो जब जब हम बात करते हैं बेटा ड्यू डिलीजेंस को लेकर के, तो इन्होंने बोला कि किसी असेट्स की अगर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक्चुअल में उसकी उतनी वर्थ है या नहीं, तो उसके लिए ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। फॉर नेगोशिएशन प्राइस कंसेशन, प्राइस में कंसेशन कराना है। इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्यूट करना है बिजनेस को, डिटरमाइन करना है कंप्लायंस विद द रेलेवेंट लॉज, डिस्कवर करना है लाइबिलिटी और रिस्क दैट मे बी डील ब्रोकर, और ऐसी लाइबिलिटी और रिस्क जो आपकी डील को खत्म कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उनको जानने के लिए भी आपको ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। आगे इन्होंने बोला कि टू एवेल्युएट द लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन की लीगल और फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ता है। तो ये सारे मुद्दे बच्चों हमने कवर करे कि भाई किन किन ट्रांजेक्शन में, किन किन आस्पेक्ट्स में आपको ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आस्पेक्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 4, स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस। अगर ड्यू डिलीजेंस के स्कोप को जानना है तो सबसे पहले हमें स्कोप समझना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आपके स्कोप में ऐसा कुछ नहीं आता कि आप कंपनी सेक्रेटरी रहते हुए किसी का आप ऑपरेशन करेंगे। पता चला सीएस की डिग्री मिली, हमने सर्जिकल ब्लेड उठाया सामने वाले का, बोला चलो तुम्हारी किडनी का ऑपरेशन करें, अभी बाहर निकालते हैं किडनी को। बोला ये जो एस्पेक्ट्स है आपके स्कोप में नहीं आएगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी।
भाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप सेक्रेटरी ऑडिट कर लो, वेरियस कंप्लाइंसिस को फुलफिल कर सकते हो, लीगल एडवाइसेस दे सकते हो, एनसीएलटी एनसीएलएटी में जा सकते हो, डिफरेंट अपीलेट अथॉरिटीज में जा सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का ऑपरेशन कर पाएंगे क्योंकि वो आपके स्कोप में नहीं आता। तो मुद्दे वाली बात ये है कि ड्यू डिलीजेंस से हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, ड्यू डिलीजेंस जब हम कराते हैं तो अपने दायरे में क्या क्या कवर कर सकता है, तो दैट इज नोन एज स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस। यानी कि ऐसे कौन कौन से पर्पज हैं जो ड्यू डिलीजेंस से सॉल्व किए जा सकते हैं और ऐसे कौन कौन से पर्पज हैं जो ड्यू डिलीजेंस से सॉल्व नहीं हो सकते, ये सारी चीजों को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, जानना है, तो इसके लिए ड्यू डिलीजेंस के स्कोप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इन्होंने बोला स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस इज ट्रांजेक्शन बेस्ड एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। बोला ऐसे पर्सन जो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, जब जब हम ड्यू डिलीजेंस स्कोप की बात करेंगे तो उन्हीं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंगली ड्यू डिलीजेंस का स्कोप तय होगा। बोला स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस इज ट्रांजेक्शन बेस्ड, जैसा ट्रांजेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली स्कोप चेंज होगा। किसी में लीगल ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, किसी में फाइनेंशियल देख सकते हो, किसी में एफिशिएंसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देख सकते हो, तो वो आपका स्कोप डिसाइड होता है कि आपने इस ड्यू डिलीजेंस में किन एस्पेक्ट्स को चेक करना है। डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल और पर्सन की जो खुद की नीड होगी, जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ड्यू डिलीजेंस डिसाइड होता है कि भाई ड्यू डिलीजेंस के स्कोप में क्या आएगा। ड्यू डिलीजेंस वुड इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ टारगेट कंपनी। जब ड्यू डिलीजेंस की बात करते हैं तो इन्होंने बोला यहां टारगेट कंपनी की जो सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, ड्यू डिलीजेंस में उन ऑब्लिगेशंस को समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी टारगेट कंपनी की ऑब्लिगेशन है, कुछ टाइम बाद वही ऑब्लिगेशन आपकी ऑब्लिगेशन बन जानी है, तो बेहतर होगा उस एंटिटी की ऑब्लिगेशंस को पहचाना जाए। आगे इन्होंने बोला ड्यू डिलीजेंस वुड इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ टारगेट कंपनी, उनके डेट्स के बारे में, उनके राइट एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में, उनके पेंडिंग एंड पोटेंशियल लॉसूट्स के बारे में, लीज के बारे में, वारंटीज के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टारगेट कंपनीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब जब हम बात करेंगे पोटेंशियल कंपनीज के ऑब्लिगेशंस को हम ड्यू डिलीजेंस के स्कोप में कवर करते हैं कि भाई ड्यू डिलीजेंस करा रहे हो तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल कंपनी के जो ऑब्लिगेशंस है उनको भी आइडेंटिफाई करो। आगे हम बात करेंगे ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टिगेशन वुड कवर, ड्यू डिलीजेंस का जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें और कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होंगे, कंप्लायंस विद द लॉस, लॉस का कंप्लायंस करते हो या नहीं करते हो, रेगुलेटरी वायोलेशंस, लिटिगेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अनपेड टैक्सेस, पास्ट बिजनेस फेलियर, फ्रॉडुलेंट क्लेम्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इन सारे एस्पेक्ट्स को आप वेरीफाई कराओगे। आगे इन्होंने बोला नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, फैक्टर टू बी कैप्ट इन माइंड व्हाइल कंडक्टिंग द ड्यू डिलीजेंस, जब आप ड्यू डिलीजेंस कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर अपने माइंड में रख करके चलोगे, दैट मीन्स जब जब ड्यू डिलीजेंस की बात करोगे तो कौन कौन से ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे जिन्हें एकदम आप कहीं ना कहीं प्राइमर फेसली फोकस करके चलोगे। तो फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ ड्यू डिलीजेंस ऑफ एनी एंटिटी, पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, भाई ड्यू डिलीजेंस कराने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, उस पर्पस और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शंस को चेक करोगे, ये आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट एटसेट्रा ऑफ टारगेट कंपनी, यानी कि जब जब हम बात करेंगे टारगेट कंपनी के रेफरेंस में आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारा रेवेन्यू को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। भाई एक हमारा इन्वेस्टर कंपनी होती है, दूसरा हमारा टारगेट कंपनी होती है, टारगेट कंपनी जिसको परचेस किया जा रहा है, और एक इन्वेस्टर होगा जिसने पैसे इन्वेस्ट करने फर्दर लगाना है, यानी उस कंपनी को खरीदना है, तो उस इन्वेस्टर की खुद की एक्सपेक्टेशंस होगी, क्या रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस रखता है, क्या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर उन सारी चीजों को चेक करा जाएगा। आगे इन्होंने बोला कंसीडर दैट द बिजनेस ऑफ टारगेट कंपनी गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू पुट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू गुड यूज, यानी कि आपका टारगेट कंपनी है जिसको आप खरीदना चाह रहे हो, उसका जो बिजनेस है आपके स्किल्स को, आपके कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को, आपके एक्सपीरियंस को फुल्ली यूटिलाइज करने में आपकी कहीं ना कहीं आपकी मदद करे एक तरीके से। तो कह सकते हैं कि जो टारगेट कंपनी का बिजनेस है वो वैल्यू एडिशन करेगा, इन सारी चीजों को हम कंसिडर करके चलेंगे।
लर्न एज एज मच एज पॉसिबल अबाउट द इंडस्ट्री कनेक्टेड टू द टारगेट कंपनी, जिस कंपनी को खरीद रहे हो उससे कनेक्टेड इंडस्ट्री को समझने का प्रयास करो, लर्न करने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसी एंटिटी को अगर आप समझोगे उसको सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप उस टारगेट कंपनी से बेहतर एडवांटेज ले सकते हो। और अभी के लिए उस टारगेट कंपनी के बिजनेस को खरीदने से पहले आप उस टारगेट कंपनी के बारे में लॉट मोर सही एक्सपेक्टेशंस निकाल सकते हो। कंसीडर द मीडिया रिपोर्ट, जर्नल्स एंड पीपल्स इन द इंडस्ट्री एटसेट्रा अबाउट द टारगेट कंपनी, जिस कंपनी को प्लान कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, उस इंडस्ट्री को उस कंपनी को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उसकी जानकारी आप रख सकते हो। तो पहला पॉइंट है हमारा बेटा, फैक्टर टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस करने जा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। दूसरा रहेगा बच्चों प्लानिंग एंड शेड्यूल, ड्यू डिलिजेंस जब करेंगे कोई भी काम करो, इवन तो छोटे से छोटा फंक्शन, खाना खाने के लिए भी प्लान करना पड़ता है, इतने बजे खाएं उतने बजे खाएं, आज खाने में कौन सा वाला, जैसे कि अभी जैसे फास्ट चल रहे हैं तो फास्ट वाला फूड खाएं या नॉर्मल वाला, डिपेंड करता है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है, व्रत रखा हुआ तो फास्ट वाला खाओगे फूड। तो इन्होंने बोला मेक श्योर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, जब ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। स्टेप टू बी फॉलोड इन द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, क्या स्टेप फॉलो करोगे, कौन से एरिया को चेक करोगे, कौन से एरिया को छोड़ोगे और कितने एस्पेक्ट्स को ईच एंड एवरी एरिया में चेक करोगे। इन्फॉर्मेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट मटीरियल टू बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सेलर, और कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सेलर से आपने गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, ये सारी चीजें आप पहले से प्लान करके चलोगे। आगे हम बात करेंगे नेगोशिएशन फॉर द टाइम विद द टारगेट या सेलर कंपनी, सो ड्यू डिलीजेंस कैन बी डन प्रॉपरली। और आपको टारगेट कंपनी के साथ टाइम नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा कि भाई आप कितना टाइम देंगे और उनको आपको कितने टाइम कोऑपरेट करना है, जिससे कि आपका ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली टाइमली हो पाए। आगे हम बात करेंगे बच्चों रिस्क मिनिमाइजेशन, पर ड्यू डिलीजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और उनमें अगर किसी भी तरीके का रिस्क है उसको भी आइडेंटिफाई करना, जिससे हमको सेटिस्फेक्शन हो कि कम से कम रिस्क बिजनेस एंटिटी में है। और रिस्क कब तक होती है, दैट मींस कुछ ऐसा होने का चांसेस जिससे आपको लॉस हो सकता है, भाई रिस्क का लेवल तब तक ज्यादा होगा जब तक आपने चेक नहीं किया, चेक कर लिया कोई इरेगुलरिटी नहीं मिली तो आपका रिस्क का लेवल ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। रिस्क मिनिमाइजेशन, ड्यू डिलीजेंस डील विद द ओवरऑल बिजनेस एंड बिजनेस हैव लॉट मोर रिस्क, सो व्हाइल कंसीडरिंग द ड्यू डिलीजेंस वी मस्ट फोकस ऑन द रिस्क मिनिमाइजेशन ऑल्सो। फॉर द रिस्क मिनिमाइजेशन वी शुड चेक इंपोर्टेंट मैटर सच एज द बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर और परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर टीम। बोला कि अल्टीमेटली जो रिस्क होता है उसे हम टाइम टाइम पर मिनिमाइज करेंगे, और जब रिस्क मिनिमाइज करेंगे तो इस टाइप के आइटम्स को हम चेक करेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, बिजनेस के प्लान क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कोई लगा रखा है या नहीं लगा रखा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को चेक करोगे। अगर इनका सिस्टमैटिकली यूटिलाइजेशन हो रहा है, सिस्टमैटिकली इन एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कम है। आगे इन्होंने बोला इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स सच एज रिव्यूज फ्रॉम मार्केट, कस्टमर एंड पब्लिक इंस्पेक्शन फ्रॉम आरओसी, यानी कि इन सारी चीजों को भी आप फोकस करके चलोगे तभी आप बेहतर ड्यू डिलीजेंस कर सकते हो। लिमिट द रिपोर्ट्स ऑफ द ड्यू डिलीजेंस ओनली विद द मटीरियल फैक्ट्स, और साथ ही साथ में इन्होंने बोला प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करके चलने पड़ेंगे जब आप ड्यू डिलीजेंस करोगे। अगला मुद्दा है बच्चों ड्यू डिलीजेंस की जो स्टेजेस होंगी, ड्यू डिलीजेंस की स्टेजेस हमारी कौन कौन सी होंगी उनको एक एक करके डिस्कस करना है। जैसे स्टेजेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस की जब हम बात करते हैं या इसी को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना जनरली रहती है, कई सारे क्वेश्चन अलग अलग यहां से बन सकते हैं। तो हालांकि जब हम स्टेजेस या प्रोसेस को नोट डाउन कर रहे हैं तो इसे शॉर्ट में करना है, इसे बहुत डिटेल में नहीं करना, चार से पांच नंबर स्टेजेस या प्रोसेस आ रहा है और फिर हम जितना मैंने लिखा हुआ सारा स्टेज एंड प्रोसेस में उतना मेंशन कर दो उतना टाइम आपके पास होता नहीं है, तो इसको भी कट शॉर्ट कर देना अगर स्टेज या प्रोसेस के नाम से आए। लेकिन उसमें कई बार प्री डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस, पोस्ट डिलीजेंस ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो अलग से प्री डिलीजेंस को, पोस्ट डिलीजेंस को या डिलीजेंस को आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ड्यू डिलीजेंस कैन बी डिवाइडेड इन द थ्री स्टेजेस। जब प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच या स्टेज बाय स्टेज अप्रोच, तो इन्होंने बोला ड्यू डिलीजेंस को हम थ्री स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। और वो थ्री स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? पहला स्टेज होता है प्री डिलीजेंस। बोला फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कवर्ड अंडर द प्री डिलीजेंस एक्सरसाइज। बोला कि डिलीजेंस से पहले जो एक्सरसाइज होगी उसे क्या बोला जाएगा? प्री डिलीजेंस एक्सरसाइज। बोला कहीं ना कहीं आपने साइनिंग करना पड़ेगा लेटर ऑफ इंटेंट LOI एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या एंगेजमेंट लेटर। भाई ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे हो तो एक तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, भाई कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करोगे, लेटर ऑफ इंटेंट साइन करना पड़ेगा या एंगेजमेंट लेटर अपॉइंटमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा, रिसीप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंपनी एंड रिव्यू द सेम। जिसका डिलीजेंस कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी से डॉक्यूमेंट रिसीव करने पड़ेंगे उनका डिलीजेंस करना करने के लिए, आइडेंटिफाई द इश्यूज, इश्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग द पेपर्स रिक्वायर्ड फॉर अ डिलीजेंस। और डिलीजेंस करने के लिए जिन जिन पेपर का रिक्वायरमेंट है उनको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और क्रिएटिंग ए डेटा रूम, और एक जगह सारा डेटा रखवाना पड़ेगा जहां पर आप जाकर के चेक करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल में आप दौड़ते भागते नहीं रहेंगे। एक डेटा रूम बनाया जाता है जहां पर सारा डेटा रख दिया जाता है, उसमें डेटा रूम में जाकर के आप ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं, सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला पॉइंट टू बी नोटेड, डेटा रूम फॉर द ड्यू डिलीजेंस, यानी कि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा रूम। एक डायरेक्टली क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है कि एक्सप्लेन द डेटा रूम ऐसे करके, तो डेटा रूम में हम क्या चीजें मेंशन करने वाले हैं? अल्टीमेटली आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, डेटा रूम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर ऐसे सारी इंफॉर्मेशन होती है जिनको ड्यू डिलीजेंस किया जाना है, जिनको चेक किया जाना है। आगे इन्होंने बोला जब डेटा रूम की बात करते हैं, इट इज द प्लेस वेयर ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टारगेट एंटिटी, जिसका ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे उसे बोला जाता है टारगेट एंटिटी, इज कैप्ट इन द फिजिकल मोड और इन द वर्चुअल मोड। क्योंकि डेटा रूम आपका वर्चुअल डेटा रूम भी हो सकता है और फिजिकल डेटा रूम भी हो सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा रूम बना सकते हो। इन केस ऑफ वर्चुअल डेटा रूम ऑल इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड इन द डेटा रूम विद द प्रॉपर सिक्योरिटी सो दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज यूज। बोला जब वर्चुअल डेटा रूम होता है तो किसी दूसरे के सिस्टम से उस पर्टिकुलर प्लेस से डाटा एक्सेस किया जाता, तो उन्होंने बोला कि यहां पर इस टाइप की सिक्योरिटी होना चाहिए कि आपकी इंफॉर्मेशन का कोई गलत फायदा ना उठा सके या अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। आगे हम बात करेंगे फॉलोइंग इंपोर्टेंट थिंग्स शुड बी फोकस्ड रिगार्डिंग द डेटा रूम फॉर द कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू। डू नॉट डिले डेडलाइंस, यानी कि जो डेडलाइंस दे रखे हैं उनको आप डिले ना करें। मार्क ईच मॉड्यूल ऑफ द चेकलिस्ट प्रोवाइड सेपरेटली, और जो आपको चेकलिस्ट दे रखी है उसको ईच एंड एवरी मॉड्यूल को उसको कहीं ना कहीं चेक करेंगे कि वो सेपरेटली प्रोवाइड किया या नहीं किया। इश्यू विच आर नॉट एप्लीकेबल ऑन टारगेट कंपनी मार्क एज नॉट एप्लीकेबल, और साथ ही साथ जो इश्यूज ऐसे हैं जो टारगेट कंपनी पर लगते ही नहीं है तो उन्हें नॉट एप्लीकेबल मार्क करें, और इफ द सम इश्यू कैन नॉट बी रिजोल्व इमीडिएटली देन एडमिटेड, और कुछ इश्यूज हैं कुछ प्रॉब्लम है जिन्हें रिजोल्व नहीं किया जा सकता तो आप उसको एडमिट करना चाहिए, और पुट अ सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट टू द ओवरसीज द प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस, और प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस को देखने के लिए कहीं ना कहीं आप एक सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट मेंटेन करके चलोगे। आगे इन्होंने बोला कैप्ट रजिस्टर टू ट्रैक पीपल कमिंग एंड गोइंग आउट, जो डेटा रूम आपने बनाया उसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन सारी चीजों का एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो पाए कोई अनऑथराइज पर्सन आकर के तो चीज चेक करके नहीं चला गया। आगे हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑन अकाउंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ फाइल्स, फाइल्स को सिस्टमेटिक रखना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पॉइंट पर्सन, की पर्सन हैंडलिंग द डेटा रूम, और एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो डेटा रूम को हैंडल करेगा जिससे कि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो पाए। बी वार्म एंड रिसेप्टिव प्रोफेशनल्स हु आर कंडक्टिंग डिलीजेंस, और जो डिलीजेंस कर रहे हैं उन प्रोफेशनल्स के लिए आपको कहीं ना कहीं वार्म रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको बेहतर तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। इंक्वायरीज ऑन द ड्यू डिलीजेंस टीम, और साथ ही साथ में ड्यू डिलीजेंस टीम है उसके साथ आप इंक्वायर कर सकते हो चीजों को लेकर के, और इनकेस ऑफ एनी करेक्शन एडमिट एंड रेक्टिफाई, अगर किसी करेक्शन की बात करी जाए तो गलती अपनी माननी चाहिए और उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट चल रहे थे बच्चों हमारा
प्री डिलीजेंस या ड्यू डिलीजेंस से पहले के काम। लेकिन अभी हम बात करेंगे बच्चों ड्यू डिलीजेंस यानी डिलीजेंस क्या होता है। तो जब डिलीजेंस की बात करेंगे, इन केस ऑफ डिलीजेंस अ प्रोफेशनल स्क्रूटनाइज एवरी डॉक्यूमेंट दैट इज मेड अवेलेबल एंड आस्क फॉर द डिटेल एंड क्लैरिफिकेशन सिंस द ड्यू डिलीजेंस इज अ टाइम बाउंड एक्टिविटी एंड इट इज नीडेड टू कंप्यूट कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। इन्होंने बोला ड्यू डिलीजेंस में एक प्रोफेशनल क्या काम करेगा, जो टारगेट एंटिटी है उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को रिव्यू करेगा, चेक करेगा और उसके बेसिस पे जो से रिपोर्ट बनाना है आगे जा करके। तो इन्होंने बोला जब इन सारी चीजों को वो चेक करेगा तो टाइम बाउंड मैनर में चेक करेगा। आफ्टर द डिलीजेंस इज कंडक्टेड अ प्रोफेशनल प्रिपेयरर रिपोर्ट्स अबाउट द डिलीजेंस आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस इंफॉर्मेशन इन डिलीजेंस एक्सरसाइज। बोला जो डिलीजेंस करते टाइम पर, जांच पड़ताल करते टाइम पर, एंटिटी के इंफॉर्मेशन में डेटा रूम को एनालाइज करने के बाद ड्यू डिलीजेंस करने वाला पर्सन क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा जिसे बोला जाएगा ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। और ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट आपकी वेरियस टाइप की हो सकती है। जब आप सारी चीजों को चेक करके रिपोर्ट बनाते हो तो एक रिपोर्ट आपकी डील ब्रेकर भी हो सकती है। डील ब्रेकर का मतलब इन दिस केस फाइंडिंग ऑफ ड्यू डिलीजेंस कैन बी वेरी क्लियर एंड मे एक्सपोज द वेरियस नॉन कंप्लायंस दैट मे बी अराइज एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग और नॉन लाइबिलिटी। बोला डील ब्रेकर ऐसी रिपोर्ट होगी जब आपने इंफॉर्मेशन को चेक किया और सामने वाली एंटिटी में बहुत सारी नॉन कंप्लायंस निकले और आपका मानना है कि अगर ये कंपनी को खरीदा तो आपके ऊपर बड़े सारे पेनल्टीज लगने वाले, इवन दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती है, तो बेहतर है उस कंपनी को ना खरीदा जाए, ऐसा सजेशन रिपोर्ट में मिलेगा और उस रिपोर्ट को बोला जाएगा डील ब्रेकर यानी कि डील को खत्म कर देने वाली रिपोर्ट। इसके बाद बच्चों हम चलेंगे अगले मुद्दे पर। इन्होंने बोला डील डाइल्यूटर। बोला फाइंडिंग्स तो यहां हुई हैं, प्रॉब्लम्स तो यहां आइडेंटिफाई हुई है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है कि डील को ब्रेक कर दिया जाए। बोला डील को डाइल्यूट किया जा सकता है, मतलब डील के प्राइस में नेगोशिएशन किया जा सकता है कि भाई ज्यादा प्राइस नहीं पे करेंगे, कम प्राइस पे करेंगे। इन दिस केस द फाइंडिंग अराइजिंग आउट ऑफ डिलीजेंस मे कंटेन द वायलेशन विच मे हैव एन इंपैक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिफाइबल पेनल्टीज and in turn may result in the diminishing the value of the company। बोला कि कुछ पेनल्टीज यहां पर लग सकती हैं तो उतने ही वैल्यू हम डाउन कर देंगे एंटिटी की। और डील कॉस्टनर की बात करेंगे, इट कवर दोज फाइंडिंग इन द डिलीजेंस विच मे नॉट इंपैक्ट द फाइनेंशियल बट देयर एग्जिस्ट सर्टेन नॉन कंप्लायंसेस विच थ्रू द रेक्टिफाइबल एंड रिक्वायर द इन्वेस्टर टू सेलेक्ट अ कॉशियस पाथ। बोला कि यहां पर कोई डील कॉस्टनर में कोई फाइनेंशियल बर्डन तो आपके ऊपर नहीं आने वाला, लेकिन कुछ ऐसी नॉन कंप्लायंसेस जरूर हैं जिनके रिगार्ड में आपने थोड़ा कॉशियस पाथ एज्यूम करना चाहिए। और डील मेकर ऐसी रिपोर्ट बहुत मुश्किल से बनती है। बोला कि दिस रिपोर्ट इज मुश्किल से बनने का सेंस है, ऐसी रिपोर्ट जनरली बनती नहीं है क्योंकि सामने वाला एंटिटी तभी सेल कर रहा होता है जब उसको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही होती है एंटिटी में। तो ऐसा रिपोर्ट कहीं ना कहीं ड्यू डिलीजेंस के बाहर बनना बहुत मुश्किल टास्क है। दिस रिपोर्ट इज वेरी हार्ड टू कम एंड मे नॉट बी रियलिटी इन द स्ट्रिक्ट सेंस व्हेन ड्यू डिलीजेंस टीम हैव नॉट बीन एबल टू कम अक्रॉस एनी वायलेशन इन सच अ केस द क्लीन रिपोर्ट डील मेकर रिपोर्ट इज सबमिटेड। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होता, कोई भी समस्या आइडेंटिफाई नहीं होती तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं आप डील मेकर रिपोर्ट बनाते हो। इसके बाद बच्चों अगला एस्पेक्ट होगा पोस्ट डिलीजेंस। जब हम पोस्ट डिलीजेंस की बात करेंगे तो इन्होंने बोला इन द पोस्ट डिलीजेंस मतलब डिलीजेंस अब हो चुका है, समटाइम बी रेक्टिफाई द नॉन कंप्लायंसेस एंड फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस, यानी कि ड्यू डिलीजेंस के दौरान जो नॉन कंप्लायंसेस मिले उनको रेक्टिफाई कर रहे होते हैं। इन दिस केस समटाइम बी फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफेंस, कंपाउंडिंग करा रहे होते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि भाई पेनल्टी लगेगी तो ज्यादा लगेगी, डायरेक्टली आप जो नॉन कंप्लायंस है उसके रिगार्ड में अथॉरिटीज से बात करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई कम पेनल्टी लगा करके आपके डिफॉल्ट को इग्नोर कर दिया जाए। तो ऐसे एस्पेक्ट को बोला जाता है हम कंपाउंडिंग करा रहे हैं। तो इन्होंने बोला समटाइम वी आर नेगोशिएटिंग द शेयर होल्डर एग्रीमेंट सिंस द इन्वेस्टर विल बी ऑन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड मे नेगोशिएट द प्राइस वेरी हार्ड। बोला कई बार ड्यू डिलीजेंस के बाद ऐसा भी होता है कि आपने ड्यू डिलीजेंस कराया, कुछ इररेगुलरिटीज मिली तो आप टारगेट कंपनी के साथ नेगोशिएशन में लगे रहे होते हो कि कहीं ना कहीं आप टारगेट कंपनी का प्राइस कम कराने का कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा कहीं ना कहीं हमारे को पोस्ट डिलीजेंस एक्सरसाइज में देखने को मिलता है। बच्चों ये ड्यू डिलीजेंस टॉपिक हम यहां कवर कर रहे थे। पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे, टेक्निक्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस एंड रिस्क असेसमेंट।
मैं आज आपको इस चैप्टर की नोटिंग सर्कुलेट कर रहा हूं, कुछ टाइम में वन एंड हाफ आवर में ये नोटिंग मैं आपको आपके कम्युनिटी में सेंड करा दूंगा। कंप्लीट नोटिंग है इस चैप्टर की। ये अभी मैंने सारा चैप्टर नहीं कवर कराया आपको, चैप्टर की आज शुरुआत करी है, और ये सारी नोटिंग आप, ये सारा कंटेंट आपने नोट करना भी है, जैसा कि कल आपके पास टाइम रहेगा, संडे है, तो आप इस सारी नोटिंग को तैयार कर लें, बना लें, रेडी कर लें। मंडे को इस चैप्टर को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आज हम क्लास इतना ही रखेंगे, बट काफ़ी सारे पेजेस हैं इस चैप्टर में, तो इसको आप नोटिंग को कंप्लीट जरूर कर लेना टिल टुमारो, जिससे कि जब आप समझें तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएं। अभी के लिए आपको बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।